हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो चलिए, हम लोग टेलीविज़न इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग टेलीविज़न इंजीनियरिंग में सिलेबस एनालिसिस देखे थे। सिलेबस एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हम लोग जाने थे कि टेलीविज़न का शुरुआत कैसे हुआ, टेलीविज़न का एम क्या है, और टेलीविज़न इंजीनियरिंग कितना इम्पोर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और उसमें हम लोगों ने जाना था कि ये इसका शुरुआत कैसे हुआ, इसको बनाने का मतलब कि थॉट कहाँ से आया मन में, उसके हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने जाना कि वो कब इंडिया में आया और कब ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन की दुनिया में प्रवेश लिया। तो जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लें, जिससे आपको ये वाला वीडियो लेक्चर में समझने में आसानी होगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी ने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया होगा, तभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे क्या एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम की। आज हम लोग बातें करेंगे एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम की। एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम, टेलीविजन को हम लोग शॉर्ट में टीवी भी लिखते हैं, ठीक है, टीवी सिस्टम। तो देखिए, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट होता है, ये भी टेलीविजन क्या है, हमारा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसके मदद से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, तो हम लोग ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। क्या होता है, हमको टीवी पे कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह ये सब देख पाते हैं, तो उसकी बातों को हमको देख पाते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस ही हो रहा है। जैसे न्यूज देखते हैं तो उसमें हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है, और कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम लोग को क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं या लाते हैं, कनेक्ट मतलब ट्रांसमिट करें या फिर रिसीव करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो इस टेलीविजन सिस्टम में दो पार्ट होता है दोस्तों, एक पार्ट होता है ट्रांसमिटिंग सेक्शन, और एक पार्ट होता है रिसीविंग सेक्शन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी सिस्टम मैंने लिख दिया, सॉरी, क्या होगा, रिसीविंग सेक्शन। दो पार्ट होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने में, हम लोग क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक ट्रांसमिशिंग सेक्शन होता है, या उसको हम लोग ट्रांसमीटर सेक्शन भी कहते हैं, ट्रांसमिटिंग सेक्शन भी कहते हैं, या फिर ट्रांसमिशन सेक्शन भी कहते हैं। एक होता है रिसीविंग सेक्शन, इसको हम लोग रिसेप्शन सेक्शन भी कहते हैं। तो कोई चीज हम लोग टीवी पे देख पा रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक कुछ एक होता है, क्या, स्टेशन, जहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, कनेक्ट मतलब जहां पे इस वीडियो को जो आप देख पा रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। तो वो हो गया, और फिर एक हो गया जहां रिसीविंग, क्या हो गया, ट्रांसमिटिंग हो गया, जहां पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद उसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रांसमिटिंग सेक्शन, ठीक है। उसके बाद उस सिग्नल को जब ब्रॉडकास्ट किया गया तो एक रिसीवर होता है, रिसीवर क्या करता है, उसको कैच करता है, उस सिग्नल को कैच करता है, और कैच करने के बाद क्या करता है, उसको कैच करने के बाद रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद उसको आपको टीवी रिसीवर पर दिखा देता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, टीवी रिसीवर सेक्शन। तो ये हो गया दो सेक्शन, एक हो गया ट्रांसमिटिंग सेक्शन और एक हो गया रिसीविंग सेक्शन। तो इन्हीं दोनों सेक्शंस में बहुत सारे बेसिक एलिमेंट होते हैं जो कि वर्क कर रहे होते हैं, और उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन सेक्शन, कहने का मतलब ट्रांसमिटिंग सेक्शन और रिसीविंग सेक्शन के एलिमेंट के बारे में। देखिए, किसी चीज को ट्रांसमिट करने से पहले, जैसे हमको क्या ट्रांसमिट करना है इसके बारे में जानना पड़ेगा। अब ये ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, सोचिए, एक अपने मन से सोचिए, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप क्या सोच रहा है। जैसे आपको कोई वीडियो को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, तो उसके पहले आपको कोई वीडियो को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि टेलीविजन सिस्टम में
टीवी सिस्टम में, टीवी में क्या होता है, वीडियो और ऑडियो दोनों होता है, वीडियो प्लस ऑडियो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो ट्रांसमिट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। यही एडवांटेज है हम लोग का टेलीविजन सिस्टम का। अब वीडियो और ऑडियो सोचिए, देखिए याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, एक अपने अंदर सोचने की कैपेबिलिटी डेवलप करना है। क्या हमको सोचना है, तो हमारा ट्रांसमिटिंग सेक्शन है उसका एलिमेंट कौन सा होगा, क्या होगा एलिमेंट कौन सा होगा, टीवी सेक्शन के ट्रांसमिटिंग सेक्शन में बेसिक एलिमेंट कौन से होंगे। तो सबसे पहले कि हमको कोई पिक्चर को, वीडियो को, जिसमें उसका साउंड भी होना चाहिए, उसको हमको ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, साउंड को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि हमको इमेज सोर्स की आवश्यकता पड़ेगा, इमेज सोर्स, इमेज सोर्स कहने का मतलब जो इमेज को क्या करे, क्या करे, कैद कर सके, और इमेज को मतलब कि कैद करने का काम, इमेज को रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है आपको, तो कैमरा करता है। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, कैमरा, कैमरा क्या हो गया, लाइक एज ए इमेज सोर्स की तरह, इमेज सोर्स की तरह, इमेज सोर्स की तरह फर्स्ट हो गया क्या, कैमरा। उसके बाद कैमरा के हेल्प से तब वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन हमारा साउंड जो रिकॉर्ड होता है वो किसके कारण से होता है, तो वो साउंड जो रिकॉर्ड होता है वो माइक्रोफोन की मदद से होता है, माइक्रोफोन, इसको शॉर्ट में हम लोग माइक भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग माइक भी कहते हैं। और ये क्या काम करेगा, तो ये काम करेगा साउंड सोर्स का, साउंड सोर्स का। वीडियो में और ऑडियो को हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया एक इंफॉर्मेशन सोर्स की मदद से, और एक इमेज सोर्स की मदद से, और एक साउंड सोर्स की मदद से। ये दोनों जब रिकॉर्ड कर लिए, तो रिकॉर्ड करने के बाद इस ट्रांसमिटिंग सेक्शन है, तो ट्रांसमिटिंग सेक्शन में हमको क्या जरूरत पड़ेगा, तो ट्रांसमिटिंग सेक्शन में हमको जरूरत पड़ेगा ट्रांसमीटर का। तो ये हो गया, एक हो गया ये माइक्रो कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, एक और एलिमेंट हो गया क्या, तो ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या होगा, तो ट्रांसमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसके हेल्प से हमारा क्या हो रहा है कि किसी भी सिग्नल को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो ये ट्रांसमीटर क्या होता है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में, वेरी डिटेल में आप लोग क्या कहां पढ़िएगा, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में, मैं कुछ बता रहा हूं इसको ध्यान में रखिएगा। ट्रांसमीटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है जिसमें एक होता है मॉड्यूलेशन प्रोसेस, ट्रांसमीटर के अंदर ही क्या होता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, और ये ऑब्जेक्टिव हमेशा आपको रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। ये जो ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर में ही मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या होता है, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जैसे मैं जो बोल रहा हूं इस सिग्नल को जितना जोर जोर से भी अभी यहां पे चिल्लाऊंगा दोस्तों, आपके पास ये आवाज नहीं जाएगा, लेकिन यही देखिए मॉड्यूलेशन प्रोसेस का ही कमाल है कि ये आपके पास चला जा रहा है। तो इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो भी मैसेज सिग्नल होता है उसको कैरियर सिग्नल के साथ अटैच कर दिया जाता है, और कैरियर सिग्नल बहुत ही पावरफुल होता है। जिस तरह हम लोगों को कहीं दूर जगह जाना होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन हमको वहां पहुंचा देता है। तो ट्रेन क्या कर रहा है, कैरियर का वर्क कर रहा है, सेम टू सेम उसी तरह से इस ट्रांसमीटर के अंदर में जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस जो होता है, और ये प्रोसेस कंप्लीट कराता है कौन, तो मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। तो इसमें भी क्या किया जाता है, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल होता है उसमें ऐड किया जाता है, उस किसमें ऐड किया जाता है, तो कैरियर सिग्नल में। और ये कैरियर सिग्नल का जो एनर्जी होता है ना, वो पावरफुल होता है, जिसके कारण से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। तो ये हो गया ट्रांसमीटर। अब देखिए यहां पे एक बात आती है कि सर ट्रांसमीटर में हम मॉड्यूलेशन तो हो गया, पर उस सिग्नल को हमको क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, और जो ट्रांसमिट करने का काम करता है वो कौन करता है, तो एंटीना करता है। क्या करता है, एंटीना, एंटीना, एंटीना यहां पे
ट्रांसमिशन के सेक्शन में है, ट्रांसमीटर में है, तो इस क्या काम करेगा, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह वर्क करेगा। तो एंटीना क्या होता है, एंटीना एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करता है, जो कि क्या करता है, ट्रांसमीटर में लगा हुआ रहता है। तो वो क्या करेगा, ट्रांसमीटर से जो सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इसको कहां पे ट्रांसफर कर देगा, तो इसको ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईएम वेव कहते हैं, इसी को हम लोग रेडियो वेव के नाम से भी जानते हैं, रेडियो वेव के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए, ये चार सेक्शन हो गए, मतलब कि चार एलिमेंट हो गए, कौन, कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, एंटीना हो गया, ये चार एलिमेंट हो गए किसके, ट्रांसमिटिंग सेक्शंस के, ठीक है। अब बातें हम लोग करेंगे किसकी, रिसीविंग सेक्शन की। अब रिसीविंग सेक्शन में दोस्तों, रिसीविंग सेक्शन में ध्यान रखना है कि जो भी चीज हम लोगों ने अभी देखा, ये जो देखा, ये हम लोगों ने देखा, ये ट्रांसमिटिंग सेक्शन में। अब हम लोग को ध्यान देना है कि जो हमारा रिसीविंग सेक्शन होता है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है, जो रिसीविंग सेक्शन होता है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है। तो इन सारे एलिमेंट के बारे में आपको क्या करना है कि याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस अपने आप से सोचना है। और सोचने के बाद देखिए, इन सारे पॉइंट को एक दो लाइन तो आप लिख ही सकते हो। जैसे कैमरा, कैमरा क्या करता है, तो कैमरा एक ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इस लाइट वाले जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो क्या है, लाइट का कॉम्बिनेशन है। इसी लाइट के कॉम्बिनेशन को किस में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो ये हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, लाइट से किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, या फिर लाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल भी कहते हैं। तो कह सकते हैं ऑप्टिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है कैमरा। माइक्रोफोन क्या काम कर रहा है, तो माइक्रोफोन भी एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, साउंड वाले सिग्नल को, साउंड वाले सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है। ट्रांसमीटर आप लोग को बता ही दिए, उसके बाद एंटीना आप लोग को बता ही दिए, एंटीना यहाँ पे ट्रांसमीटर में है, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरफ वर्क करेगा, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क करेगा। और ये सारा प्रोसेस जो है ना, आप लोग को डिटेल में पढ़ना है रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको भी बता रहा हूं, तो इन बातों को आपको याद रखनी है, ठीक है। अब रिसीविंग सेक्शन में आते हैं, तो रिसीविंग सेक्शन में भी उसी तरह से, अब देखिए सबसे पहला काम, जो हमारा रिसीवर होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, तो यहां से जो हम एंटीना के थ्रू जो सिग्नल ट्रांसमिट किए हैं उस वाले सिग्नल को रिसीव करने का, जैसे आपके जो घर में है, जो आपके घर में टीवी है वो क्या है, क्या है, तो वो है रिसीवर। टीवी जो है आपका क्या है, रिसीवर सेक्शन है। उस रिसीवर सेक्शन में क्या क्या मौजूद है, तो एक मौजूद है सबसे पहला एंटीना, इसका फर्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंटीना। कैसा एंटीना, तो रिसीवी RX एंटीना। अब ये क्या करेगा, जो समझिए, अभी यहां पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमीटर वाला जो एंटीना था वो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद वो कहां गया आपका, वो गया रिसीवर के पास, वो रिसीवर के एंटीना के पास। तो वो एंटीना क्या करेगा, जस्ट इसके अपोजिट वर्क करेगा, ये रिसीवर एंटीना, ये क्या करेगा, ईएम वाले सिग्नल को, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट करने का काम करेगा, तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। अब एंटीना के मदद से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। अब वो जब कन्वर्ट हो गया, तो कन्वर्ट होने के बाद वो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, उसे कन्वर्टर के बाद एक आएगा आपका क्या, तो एक आएगा आपका रिसीवर, एक क्या आ जाएगा, रिसीवर, जो कि क्या करेगा, आपको कैच करने का काम करेगा। तो ये रेडियो रिसीवर, या फिर रिसीवर ही कहिए, रिसीवर, ये रिसीवर क्या करेगा, इस एंटीना के मदद से जिस वाले फ्रीक्वेंसी पे हम लोग सिग्नल को
चूज करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये कैच करेगा, और कैच करने के बाद रिसीवर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, इसमें क्या होता है, एक होता है डीमोडुलेशन, डीमोडुलेशन प्रोसेस। डीमोडुलेशन क्या होता है ये जानिए, जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ट्रांसमीटर था उसमें मॉडुलेशन प्रोसेस हो रहा था, और मॉडुलेशन प्रोसेस में मैसेज सिग्नल में ऐड हो रहा था ये कैरियर सिग्नल, जो कि हमको जरूरत नहीं है। यही कैरियर सिग्नल ये रिसीवर सेक्शन में क्या होता है, डीमोडुलेशन कहलाता है, और इसमें इसी कैरियर सिग्नल को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तब हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो बच जाता है। तो इसी प्रोसेस को डीमोडुलेशन कहते हैं, और ये जो वर्क करता है जो भी डिवाइस होता है उसको हम लोग डीमोडुलेटर कहते हैं। तो ये एंटीना हो गया, रिसीवर हो गया। उसके बाद अब देखिए इसमें एक होता है पिक्चर ट्यूब, पिक्चर ट्यूब, पिक्चर ट्यूब, जो टीवी स्क्रीन है दोस्तों वो क्या है, पिक्चर ट्यूब है, जिसपे क्या होता है, तो ये पिक्चर ट्यूब एक ट्रांसड्यूसर की तरफ वर्क कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इसको इनपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, वायर के थ्रू हम लोग क्या कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और उसको कन्वर्ट करता है अपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन में टीवी स्क्रीन पे, तो वो ऑप्टिकल सिग्नल हो गया, जिसको हम लोग आसानी से स्क्रीन पे देख पाते हैं, या फिर इसको लाइट सिग्नल भी कह सकते हैं। ठीक है, लाइट के कॉम्बिनेशन ही है हम लोग जो देख रहे हैं वो सारा, इसलिए इसको हम लोग लाइट के फॉर्म में भी कह सकते हैं, लाइट सिग्नल भी कह सकते हैं। इसके बाद पिक्चर तो हम लोगों ने पिक्चर ट्यूब पे देख लिया है, इसके साथ साथ हम लोग को स्पीकर भी एक होता है, टीवी में देखते हैं स्पीकर होता है, और इस स्पीकर के मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो साउंड सुन पाते हैं, साउंड सिग्नल सुन पाते हैं। तो इस स्पीकर को मिलता है क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसको मिलता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है, जिसको हम लोग आसानी से सुन पाते हैं। तो यही है हमारा बेसिक एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम, इस एलिमेंट टेलीविजन सिस्टम का ये सारा एलिमेंट है, जो कि क्या है, बेसिक एलिमेंट है, और इसके बिना एक टेलीविजन सेट अधूरा है। तो ये हो गया बेसिक एलिमेंट। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं हमेशा चार नंबर क्वेश्चंस में हमेशा पूछा जाता है, ग्रुप बी में एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, तो ये बहुत ही वीवीआई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है आपके एग्जाम पर्पस से। तो मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि मेरा पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है, मैं हर एक यूनिट में पढ़ाने के साथ साथ आपके जो कुछ भी होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे थ्योरी होंगे मैं उसी दिन से आपको स्टार्ट कर देता हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होंगे टेलीविजन इंजीनियरिंग के, तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट किया हुआ है कि राइट द एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम, चार नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट ही बताया कि कैमरा है, कैमरा क्या कर रहा है, लाइट सिग्नल या फिर इसी को ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। माइक्रोफोन क्या कर रहा है, तो ये साउंड वाले को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर देखिए ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर में मेन एलिमेंट क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर होता है, तो ये एक क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद यहां पे आइए, इधर आइए, इस एंटीना में आरएक्स एंटीना क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, यह भी आपका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। और उसके बाद यहां पर रिसीवर, रिसीवर में डीमोडुलेशन का प्रोसेस हो रहा है, और इसको करने वाले को क्या कह रहे हैं, डीमोडुलेटर। तो पूछेगा क्वेश्चन की जो डीमोडुलेशन प्रोसेस होता है वो किस सेक्शन में होता है, तो कहां होता है, रिसीवर में। मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहां होता है, तो ट्रांसमीटर में। इन सभी चीजों को याद रखना। उसके बाद है पिक्चर ट्यूब, तो पिक्चर ट्यूब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। उसके बाद पूछेगा कि स्पीकर क्या कर रहा है, तो स्पीकर क्या कर रहा है, तो स्पीकर कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करने का। तो ये सारे जितने भी टर्म मैंने बताए ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसके साथ साथ ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम उसका आंसर भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस लेक्चर में बेसिक एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम देखा क्या। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक। तो इन सारे बातों को एक एक लाइन, इस सारा ट्रांसमिटिंग सेक्शन के एलिमेंट को याद रखना है, जैसे ये हो गया रिसीविंग सेक्शन में, ये हो गया पिक्चर ट्यूब स्पीकर, इन सारे चीजों को याद रखना है, इन पॉइंट को याद रखना है। और ये याद करने के लिए नहीं, इसको सोचिए क्या जरूरत पड़ सकता है, तो उसके अनुसार याद रखिए, और इसके बारे में एक दो लाइन लिखना आपके लिए आम बात है। ठीक है,
तो जो कुछ भी मैंने बताया इसको ध्यान में रखिएगा। आज से ही मैं जो बता रहा हूं, जैसे ये VVI हो गया, तो इसको नोट करते हुए चलना है दोस्तों। जो भी ऑब्जेक्टिव मैंने बताए उसको माइंड में सेटअप करके जरूर रखिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोनोक्रोम टेलीविजन के बारे में। मोनोक्रोम टेलीविजन सेट क्या होता है? तो जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोक्रोम टेलीविजन। तो उसके ट्रांसमीटर सेक्शन को देखेंगे और उसके रिसीवर सेक्शन को देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम की मदद से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।